फ्रेंड्स, मैं शिवरिंग जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स में चालान भरने का सही तरीका। चालान नंबर 20 अंडर में आपको चालान भरना होता है, लेकिन उसमें असेसमेंट ईयर भरते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें आपका चालान सही रिपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। गलत असेसमेंट ईयर में अगर आप चालान भर देंगे तो उसका आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और फिर आपको दोबारा से चालान भरना पड़ेगा। ठीक है, तो गलत असेसमेंट ईयर सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी भी पर्टिकुलर ईयर के जब ये जब चालान भरते हैं तो उसमें आपको जो है सही तरीके से सिलेक्शन करना होता है। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आता है चालान पेमेंट के लिए, पे योर इनकम टैक्स, तो उसके थ्रू आपको जो है पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी पेमेंट बीच में यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, सिग्नल ब्रेक हो या फिर आपका वेबसाइट एरर हो, तो उस केस में क्या होगा कि जो चालान है वो आपका प्रॉपरली क्रेडिट नहीं होगा, मतलब बैंक से आपके पेमेंट जो है डेबिट हो जाएंगे और उसके बाद जो उसकी अमाउंट है वो आपके पैन कार्ड पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ये जो चालान है इनको आप AIS में 26AS में भी देख सकते हैं, AIS में क्लियरली आपके चालान दिखते हैं और लॉगिन करने के बाद इसको फाइल करने का बेनिफिट ये रहता है कि आप इसको जब चाहे तब डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो चालान पे होते हैं वो कई बार मिस रह जाते हैं, वो आपको नहीं मिल पाएंगे, तो ध्यान रखें यहाँ से पेमेंट नहीं करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर लें, अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लें अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हो। सिंपल सा आपको अपने क्रेडेंशियल्स वेरीफाई कराने होते हैं, पैन नंबर डालना होता है, पैन वैलिडेट होगा, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेम वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर एड्रेस वेरीफाई करते हुए एक पासवर्ड सेट कर लेना है OTP वेरीफाई करा के। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट लॉग इन करके यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट करने वाला हूँ, पूरा लाइव प्रोसेस है। और अब यहाँ पर क्या है, इनकम टैक्स के चालान को आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, NEFT किसी भी मोड से पे कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, सिंपल सा, लॉगिन करने के बाद ही पेमेंट करना है, उससे पहले आपको बाहर से इस वाले पोर्टल पर जाकर भी पेमेंट नहीं करना है और ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, www.incometax.gov.in, ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर न्यू पेमेंट्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आता है रेलिवेंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना, तो जैसे देखिए यहाँ पर जो है रेलिवेंट असेसमेंट ईयर जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा उसका फाइनेंशियल ईयर भी दिखाई देगा। तो आपको अगर FY 23-24 की ITR फाइल करनी है उसका असेसमेंट ईयर 24-25 है वो सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से अगर आपको उससे प्रीवियस ईयर में जाना है 22-23 की फाइल करनी है तो 22-23 के लिए असेसमेंट ईयर 23-24 है। यहाँ पर एक गलती से 25-26 मत सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि ये करंट वाला ईयर है 24-25, ये आपका जो पेमेंट होगा ये एडवांस टैक्स में होगा, मतलब जब आप इस साल के लिए फाइल करेंगे ITR नेक्स्ट ईयर तब इसका यूज कर पाएंगे। तो अभी जो भी ITR फाइलर्स हैं उनको करेक्ट असेसमेंट ईयर यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर फाइनेंशियल 22-23 के लिए ITR फाइल करने वाला हूँ, ITR यू के थ्रू मैं ये चालान एडजस्ट करूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये ईयर सेलेक्ट करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से इससे प्रीवियस ईयर में भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स आएगा। हाँ, ये जो अभी करंट ईयर चल रहा है मतलब 24-25 इसके लिए यहाँ पर एडवांस टैक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना होता है कि जब चालान आप पे कर रहे हैं उसको करेक्ट हेड में ही पे करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चालान पे करने वाला हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको वैल्यू डाल देनी है, मैं भी यहाँ पर जो है 1000 रुपए चालान आपको पे करके दिखा रहा हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, नेट बैंकिंग का डायरेक्ट ऑप्शन है, डेबिट कार्ड के भी काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग चैनल के थ्रू। उसके बाद जो है बैंक में भी जाकर आप जमा कर सकते हैं, NEFT RTGS कर सकते हैं या पेमेंट गेटवे ले लीजिएगा, UPI के थ्रू आप डायरेक्ट पेमेंट कर पाएंगे। ये केवल पेमेंट गेटवे है, मतलब आप किसी भी बैंक का आपका कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी बैंक की आपकी UPI है, सब चलेंगे यहाँ पर, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है और आप इसके थ्रू जा सकते हैं। मैं यहाँ पर HDFC का यूज करूंगा, इसके जो चांस है और जो सक्सेस रेट काफी हाई है। ट्रांजेक्शन चार्जेस आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं, इसका मिनिमम होगा, उसके थ्रू आप प्रोसीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रोसीड कर रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देना है, पे नाउ पर क्लिक करने के बाद पेमेंट गेटवे ओके करना है, सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो है पे करने वाले हैं, इस पर आपको UPI ID डालनी है, UPI ID वेरीफाई करनी है, वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड करना है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने इस टाइप से सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, आप इसको चालान को यहाँ पर डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, चालान नंबर, डेट और उसके अलावा अमाउंट, ये तीन चीजें आपकी यूज होंगी जब आप इसको ITR फाइलिंग में यूज करेंगे। ये था लेटेस्ट वीडियो, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इनकम टैक्स और GST काफी सारे वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, चैनल जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें।